दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो दोस्तों दिनांक 5/7/2020 यानी आज 5 जुलाई 2020 का सबसे बड़ा नोटिफिकेशन कॉलेज एजुकेशन स्टूडेंट्स के लिए राजस्थान सरकार शिक्षा ग्रुप 4 विभाग। तो ये राजस्थान सरकार का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, 5/7/2020 को आया है। क्रमांक है 437 शिक्षा 4/2014 पार्ट। तो क्या है इसके अंदर देखते हैं किस किस को लिखा गया है। तो यह नोटिफिकेशन जो है, पहले मैं बता दूं, कॉलेज शिक्षा संबंधित है, स्थगित या निरस्त करने बाबत जो नोटिफिकेशन सरकार ने कल निकाला था उसके लिए यह नोटिफिकेशन है। तो पहले नंबर पे लिखा गया कुलपति राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, दो नंबर मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, तीन नंबर जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, चार नंबर महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर, पांच नंबर वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा, छह नंबर पे जो है कुलपति राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर, सात नंबर पे महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर, आठ नंबर पर कुलपति कोटा विश्वविद्यालय कोटा, नौ नंबर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय सीकर, नौ नंबर पे ही था ये, दस नंबर पे महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय भरतपुर, 11 नंबर पर राजश्री बृहत्थरी मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर, 12 नंबर पर कुलपति गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा, 13 नंबर पर कुलपति हरदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर, और 14 नंबर पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय विधि विश्वविद्यालय जयपुर। यानी 14 कुलपतियों को यह पत्र लिखा गया है राजस्थान सरकार की ओर से। विषय क्या है, विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों की स्थगित परीक्षाओं के बाबत संदर्भ विभाग का समसंख्यक पत्र क्रमांक 3/6/2020 यानी 3 जून 2020 की बात कर रहा है। महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत आपका ध्यान विभाग के संदर्भित पत्र 3/6/2020 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके द्वारा विस्तृत कार्य योजना बनाकर विश्वविद्यालय की स्थगित परीक्षाएं स्थिति सामान्य होने पर कोरोना वायरस से बचाव हेतु आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय अपनाते हुए जुलाई मध्य से करवाने हेतु लिखा गया था। यानी 3 जून 2020 को विभाग ने एक पत्र लिखा था विश्वविद्यालय के कुलपतियों को कि जुलाई मिड यानी मध्य जुलाई के अंदर कोरोना की स्थिति सामान्य होती है तो परीक्षाओं का आयोजन करवाया जाना चाहिए और उसके अंदर कोरोना से सुरक्षात्मक उपाय सुनिश्चित किए जाने चाहिए। चूंकि कोविड-19 के संदर्भ में स्थिति अभी सामान्य नहीं हुई है, यानी कोविड की स्थिति जैसे थी वैसे ही है, संक्रमितों का मिलना जारी है, इस संदर्भ में दिनांक 4/7/2020 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास पर हुई उच्च स्तरीय बैठक में कोरोना महामारी के संक्रमण की स्थिति के मद्देनजर निर्णय लिया गया है कि इस वर्ष प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों तकनीकी शिक्षण संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की परीक्षाएं नहीं करवाई जाएगी। तो जो भी परीक्षाएं थी स्नातक व स्नातकोत्तर की, वो नहीं कराने के लिए कल रात को जो बैठक हुई थी उसकी यह बात कर रहे हैं जो मुख्यमंत्री आवास पे हुई थी। विद्यार्थियों को बिना परीक्षा अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा, कोई प्रकार की परीक्षाएं नहीं होगी, प्रमोट होने वाले विद्यार्थियों के अंकों का निर्धारण भारत सरकार के संबंध में भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आगामी कुछ दिनों में जारी होने वाले दिशा निर्देशों का अध्ययन कर समुचित निर्णय से अवगत करा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जनसंपर्क प्रकोष्ठ द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति की प्रति संदर्भ हेतु संलग्न है। यानी जो न्यूज मैंने आज बनाई थी मुख्यमंत्री प्रकोष्ठ वाली, वो न्यूज भी इसमें संलग्न है। इस प्रकार जो है आपकी परीक्षाएं नहीं करवाई जा रही, अंततः तदनुसार आवश्यक कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें, इसलिए जिस प्रकार ये पत्र लिखा गया है उसके अनुसार ये कार्रवाई करने के लिए बोला गया है। भवद्या सूची शर्मा शासन सचिव उच्च शिक्षा यानी शासन सचिव सूची शर्मा जी के द्वारा ये पत्र लिखा गया है। प्रतिलिपि किसको दी है वो भी देख लो, सचिव माननीय कुलाधिपति एवं राज्यपाल राजस्थान राजभवन जयपुर, यानी जो हमारे राज्यपाल है श्री कलराज मिश्र जी, उनको एक प्रतिलिपि भेजी गई है। निजी सचिव प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी यह पत्र भेजा गया है। उसके अलावा विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय उच्च शिक्षा माननीय उच्च शिक्षा मंत्री को भी यह पत्र भेजा गया है। निजी सचिव शासन सचिव उच्च शिक्षा निजी सचिव जो है शासन सचिव उच्च शिक्षा के उनको भेजा गया है। निदेशक कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर
यानी जो निदेशक है कॉलेज शिक्षा के, उनको पत्र भेजा गया। कुल सचिवगण समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय, राज्य वित्त पोषित यानी जो राज्य के विश्वविद्यालय है या जो जिनमें राज्य सरकार का अंश है, उनको भेजा गया है। कुल सचिव समस्त निजी विश्वविद्यालय राजस्थान, राजस्थान के जितने भी निजी विश्वविद्यालय उनको भी पत्र भेजा गया है और रक्षित पत्रावली रखी गई है। सूक्त सचिव उच्च शिक्षा, नीचे इनकी साइन है। तो दोस्तों इसमें एक महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं, जो भी अभ्यर्थी है जिस भी प्रिंसिपल के अंदर वो कर रहे हैं, चाहे किसी भी प्रकार के आप एजुकेशन ले रहे हैं, उन सब के परीक्षाएं निरस्त हो चुकी है। इसके अलावा एक दो तीन चीज़ें आपको महत्वपूर्ण मैं बता दूं, जो विधि है, विधि कॉलेजों को भी पत्र भेजा गया है, यानी जो विधि की परीक्षा है उनको भी निरस्त कर दिया गया है। उसके पश्चात जो है इसमें जनजातीय विश्वविद्यालय था उसकी परीक्षाएं निरस्त कर दी, हरदेव जोशी की जो पत्रकारिता जनसंचार विश्वविद्यालय की उनको भी निरस्त कर दी गई है। इसके अलावा ये कुलपति अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय की भी परीक्षाएं निरस्त कर दी गई है, यानी समस्त प्रकार की परीक्षाएं निरस्त कर दी गई है। निजी विश्वविद्यालयों की परीक्षा भी नहीं होगी, यानी जो भी निजी विश्वविद्यालय है उनकी परीक्षाएं नहीं होगी, उनको भी प्रमोट किया जाएगा, इसलिए वो भी इसमें ज़्यादा चिंतित होने की उनको आवश्यकता नहीं है। उसके पश्चात जो कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे बीए बीएड के लिए, तो बीएड व बीएसटीसी के लिए भी मैं बता देता हूं दोस्तों, वो भी विश्वविद्यालय ही परीक्षाएं करवाता है, उन परीक्षाओं में भी प्रमोट किया जाएगा, आपके अंकों का निर्धारण कर दिया जाएगा और उन परीक्षाओं में प्रमोट किया जाएगा। उसके अलावा कुछ लोग पूछ रहे हैं कि हमारे जो जिनके डिप्लोमा कोर्सेज हैं, तो डिप्लोमा कोर्सेज के लोगों को भी प्रमोट किया जाएगा। किसी में लिखा हुआ है समस्त परीक्षाओं को प्रमोट किया, जो परीक्षाएं हैं वो समस्त परीक्षाओं को निरस्त कर दिया गया है। स्नातक और स्नातकोत्तर यानी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी और यूजी दोनों की परीक्षाएं निरस्त कर दी गई है। इसलिए आपके कमेंट में पढ़ रहा था उसकी भी मैं इसमें बात इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको एक ही वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि जो आपकी समस्त प्रकार की परीक्षाएं हैं उनको निरस्त करने का डिसीजन इसमें लिया गया है। अंकों का भी निर्धारण अभी आपके हुआ नहीं है, जल्दी आपके अंकों का निर्धारण इसमें हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की चिंता करने की उसमें आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा मैं एक बात बता दूं, ये जो 14 यूनिवर्सिटी है ये तो सारी सरकारी विश्वविद्यालय है, इनके अलावा निजी विश्वविद्यालय है उनको भी ये पत्र जाएगा और उनकी परीक्षाएं भी नहीं होगी। तो इस प्रकार ये पूरी जो है अपनी आज की समाप्त ये खबर थी। तकनीकी शिक्षण संस्थानों में भी इस बार परीक्षाएं नहीं होने की संभावना नहीं हो रही। समस्त परीक्षाएं जो पहले स्थगित थी, पहले जो 3 जून को जो लेटर था उसमें तो परीक्षाएं स्थगित की गई थी, लेकिन अब जो है इस पत्र के साथ जो है परीक्षाएं जो है वो रद्द करवा दी गई है, क्योंकि अभी कोरोना की स्थिति पर कंट्रोल नहीं किया गया है। तो दोस्तों आप सभी को हमारी ओर से शुभकामनाएं, जो भी भाई बंधु चाहते थे कि परीक्षाएं नहीं होए उन समस्त लोगों को शुभकामनाएं हमारी ओर से। आप कोरोना से आपका बचाव हो गया, आपके पेपर निरस्त हो गए और आप अगली कक्षा के लिए प्रमोट हो गए हो। और प्रमोट के लिए मैं बताना चाहता हूँ, जो फाइनल ईयर की स्टूडेंट है उनको भी प्रमोट करेंगे, चाहे वो बीएड कर रहे हों, बीएसटीसी कर रहे हों, एमए कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो, एमकॉम कर रहे हो। इसके अलावा मेडिकल के लिए कुछ लोग पूछ रहे थे, तो दोस्तों जो मेडिकल कक्षाज क्लासेज है उनको तो करेंगे, लेकिन प्री मेडिकल बोर्ड का जो पेपर है या पीएमटी है उनको प्रमोट नहीं करेंगे, क्योंकि वो कोई क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम नहीं है, वो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है और क्वालिफाइंग एग्ज़ाम जो है उसके पेपर होते हैं, क्योंकि उससे मेरिट बनती है और मेरिट से जो है फिर आपके आगे की जो है कार्रवाई होती है। इसलिए जो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है वो हो सकता है लेट हो जाए, लेकिन एग्ज़ाम होंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगा, आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसके साथ ही आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पर कमेंट कीजिए एवं शेयर भी कीजिए। जो अन्य महत्वपूर्ण वीडियोस है वो भी हमारे चैनल पर उपलब्ध है, इसलिए अगर आप पुराने वीडियोस देखना चाहते हो तो आप एक बार चैनल पर जाके ज़रूर पुराने वीडियो देखें, उन वीडियोज़ को भी लाइक करें, उन पर कमेंट करें, अपनी राय देवें, अपने मित्रों में शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ निरंतर बने रहें ताकि हमारा हौसला भी जो है वो बना रहे और हम आपके लिए निरंतर जो है
नई खबरें लाते रहे एवं आपको नई नई जो खबरें हैं उनसे अवगत कराते रहे। कॉलेज शिक्षा के बारे में नई जैसे ही अपडेट आएगी हम इस वीडियो पे इस चैनल पे अपलोड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।